हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को संगीता से रेसिपी में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को चना की दाल की सब्जी बनाकर दिखाना चाह रही हूँ। जब बाजार में सब्जी महंगी हो जाए या घर पर सब्जी ना रहे तो आप चना की दाल की सब्जी बना सकते हैं। मैं यह आप लोगों को बता रही हूँ। चना की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले इस चना को माइक्रो मिक्सी में मैं इसे पीस लेती हूँ और पीसने के पहले मैं इसमें दो मिर्ची और लहसुन डालकर पीसूंगी। और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने पहले से ही कट करके रखी है प्याज, धनिया पत्ता, मिर्ची, लहसुन और टमाटर। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने सब चीज़ों के लिए रखे हैं और प्लस जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गुलकी पाउडर, मिर्ची, हल्दी और छौंक के लिए जीरा है। मैं इन सब मसालों का मिश्रण का एक पेस्ट बनाऊंगी जो मैं बना के दिखा रही हूँ। एक चम्मच जीरा, गुलकी, सॉरी धनिया, उस गुलकी पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार मिर्चा। मैं 2 चम्मच जीरा ले रही हूँ, कुछ कम लग रहा है। इन सब मसाला में मैं पानी ऐड कर रही हूँ। इस तरह से मिलाकर पेस्ट बना ली हूँ। मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है, गर्म हो गया है। चौक के लिए मैं जीरा दे रही हूँ। जब इसमें से झांस आने लगे तब इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। एक दो बार चलाने के बाद प्याज को गलने के लिए थोड़ा सा नमक हम दे सकते हैं, जो प्याज जल्दी इसमें गल जाए और ब्राउन कलर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्याज लाल हो गया है, इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, लहसुन और प्याज मिर्चा भी। एक दो मिनट चलाने के बाद ये पेस्ट मसाला मैं डाल दे रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक। मैं ग्रेवी पहले से बनाकर रख रही हूँ। जब तक ग्रेवी तैयार होगा तब तक मैं चना दाल को पीस लूंगी। देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है।
आपको लगे कि यदि ग्रेवी मेरी पतली बनेगी तो आप उसमें एक चम्मच चना दाल का जो ये पेस्ट है उसको डाल दीजिएगा और डाल के फ्राई कीजिएगा। इसी तरह से भुनना है। जब इसमें तेल छोड़ देता है तो सोचिए कि मसाला तैयार हो गया है और इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। मैंने एक कप पानी दिया है, आप अपने जरूरत के अनुसार पानी दे सकती है, गाढ़ा बनाए या पतला बनाए, जैसा ग्रेवी आपको रखना है। मैंने चना को पीस ली है, उसमें थोड़ा सा हल्दी और धनिया पत्ता मिक्स करके और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको बना दिए हैं। घर में ना कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें तेल डाल रखी है। ये मेरा कढ़ाई तैयार है। इस चना को मैं पकौड़ी टाइप का बना रही हूँ। हमारा ग्रेवी तैयार हो गया है। ये फुलौड़ी तैयार हो गया है। इसे मैं कढ़ाई से निकाल कर इसमें डाल दूँ। यह हमारा सब्जी तैयार है। इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका ग्रेवी यदि पतला है तो आप चना दाल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा पिसा हुआ, और ये पतला ही बनाना चाहिए क्योंकि ये जो पकौड़े मैंने डाला है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए पतला ही होना चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को संगीता से रेसिपी में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को चना की दाल की सब्जी बनाकर दिखाना चाह रही हूँ। जब बाज़ार में सब्जी महंगी हो जाए या घर पर सब्जी ना रहे तो आप चना की दाल की सब्जी बना सकते हैं। मैं यह आप लोगों को बता रही हूँ। चना की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले इस चना को माइक्रो मिक्सी में मैं इसे पीस लेती हूँ और पीसने के पहले मैं इसमें दो मिर्ची और लहसुन डालकर पीसूंगी। और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने पहले से ही कट करके रखी है प्याज, धनिया पत्ता, मिर्ची, लहसुन और टमाटर। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने सब चीज़ों को ले रखे हैं और प्लस जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गुलकी पाउडर, मिर्ची, हल्दी और चॉप के लिए
जीरा है, धनिया है। मैं इन सब मसालों का मिश्रण का एक पेस्ट बनाऊंगी जो मैं बना के दिखा रही हूँ। एक चम्मच जीरा, गुलकी, सॉरी धनिया, उस गुलकी पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार मिर्चा, मैं 2 चम्मच जीरा ले रही हूँ, कुछ कम लग रहा है। इन सब मसाला में मैं पानी ऐड कर रही हूँ। इस तरह से मिलाकर पेस्ट बना ली हूँ। मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है, गर्म हो गया है। चौक के लिए मैं जीरा दे रही हूँ। जब इसमें से झांस आने लगे तब इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। एक 2 बार चलाने के बाद प्याज को गलने के लिए थोड़ा सा नमक हम दे सकते हैं, प्याज जल्दी इसमें गल जाए और ब्राउन कलर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्याज लाल हो गया है, इसमें मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, लहसुन और प्याज मिर्चा भी। एक 2 मिनट चलाने के बाद ये पेस्ट मसाला मैं डाल दे रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक, मैं ग्रेवी पहले से बनाकर रख रही हूँ। जब तक ग्रेवी तैयार होगा तब तक मैं चना दाल को पीस लूंगी। देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। आपको लगे कि यदि ग्रेवी मेरी पतली बनेगी तो आप उसमें 1 चम्मच चना दाल का जो ये पेस्ट है उसको डाल दीजिएगा और डाल के फ्राई कीजिएगा। इसी तरह से भुनना है। जब इसमें तेल छोड़ देता है तो सीख ये मसाला तैयार हो गया है और इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। मैंने 1 कप पानी दिया है। आप अपने जरूरत के अनुसार पानी दे सकती है, गाढ़ा बनाए या पतला बनाए, जैसा ग्रेवी आपको रखना है। मैंने चना को पीस ली है, उसमें थोड़ा सा हल्दी और धनिया पत्ता मिक्स करके और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको बना दिए हैं। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें तेल डाल रखी है। ये मेरा कढ़ाई तैयार है। इस चना को मैं पकौड़ी टाइप का बना रही हूँ।
हमारा ग्रेवी तैयार हो गया है। ये फुलौड़ी तैयार हो गया है, इसे मैं कढ़ाई से निकाल कर इसमें डाल रही हूँ। यह हमारा सब्जी तैयार है, इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका ग्रेवी यदि पतला है तो आप चना दाल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा पिसा हुआ, और ये पतला ही बनाना चाहिए क्योंकि ये जो पकौड़ी मैंने डाला है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए पतला ही होना चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।